जब तक देवाधिदेव महादेव की करुणा नहीं होती, कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, एक कदम भी हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। कई लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, यहां कोई किसी का मीत नहीं। हम कहते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, भगवान शिव को धन्यवाद दो कि इस घोर कलयुग में जहां भाई भाई को मारने दौड़ता है, सास बहू बहू सास का संबंध ठीक नहीं रह पाता है, पति पत्नी भी श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से, माता पिता अपने बच्चों से श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं, ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान शंकर की कथा आप अगर ये लाखों की संख्या में श्रवण कर रहे हैं तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है जिसको भगवान ने बनाया। हमारे शरीर में एक हृदय, हमारे शरीर में एक मन, एक हृदय ऐसा होता है जिसको सतयुग कहा जाता है। क्योंकि हम उसमें सत्य का निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने इस सतयुग में, अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में हम झांकेंगे, अपने हृदय में हम झांक कर देखेंगे तो उसमें हमारा अपना खुद का एक आईना नजर आए। जिस आईने में हम हमारे परमात्मा का दर्शन कर सकते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कहीं बहुत दूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। अगर जाना ही है तो अपने भीतर कभी एकांत में बैठकर, आपको जैसे मथुरा कोसी की कथा में कहा था, एकांतेश्वर महादेव, कभी तुम भी एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करो। दो चीजें बड़ी कारगर होती है, केवल मात्र दो हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। दो चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, बेलपत्र के
वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है, जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहां पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहां पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देव अधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगाकर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना। जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, डेढ़ साल हो गया, दो साल हो गया, किसी किसी के यहां का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखा कर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख की। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है, इसलिए केवल पत्तियां तोड़।
आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है? ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना तोड़िए। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कुर्म पुराण का एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से चार संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा, उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाते। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया था, कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहां लेकर आए। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प कर ना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के बन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया,
अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर जरूर होता। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने चार संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भजन करते करते वो जा रहे हैं, स्मरण करते करते वो जा रहे हैं। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं, मैं जाऊं इनकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते। कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं, तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो। आगे कहाँ की तैयारी है, ये देख लो, हम तो बोले ही नहीं, 10 दिन के कपड़े लेकर आए, 5 दिन कार्तिक महीने में यहां सुनेंगे, 5 दिन कार्तिक के महीने में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नासिक में कार्तिक के विराम पर पचवीगन में विराम के 5 दिन का आनंद लेते हुए देव दीपावली शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नासिक में श्रवण कर लेंगे। एक अभिलाषा लेकर गिद्ध पीछे पीछे चल रहा, संत आपस में बात करते करते चले और संतों ने आपस में बात करते करते कह दिया कि जब कोई भगवान का भक्त, जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त, भगवान का गुणगान करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, रामकृष्ण पांडुरंगा हरि विट्ठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला, जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं से निकलता है तो उसके चरण की जो रज होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं
तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं, ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा, मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छीतड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। ये मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा विश्वास नहीं। कई लोग हैं, क्या ऐसा होता है? एक बात आपसे पूछें, जिसका लीवर और जिसकी किडनी, कभी डॉक्टर से पूछना, जिसका लीवर जिसकी किडनी पूरी खराब हो चुकी हो, एकदम समाप्त हो चुकी हो, या जिसका आधा दिल ही नहीं हो, आधा हृदय ही नहीं हो, तो वो क्या संसार में बहुत दिन टिक सकता है, बहुत दिन रह सकता है? एक पत्र आया है, सो कांचन सचिन पाटिल, कच्छ गांव, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिलाइएगा। सो कंचन सचिन पाटिल आई है, हाँ हाथ हिला दो, ऐसा एक बार वापिस हिला दो, ठीक। बच्ची आई है आपके साथ में, क्लोज कर कर देखिए, बच्ची है, आइए उस बच्ची को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी में देखेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। अगर नज़दीक में होते तो हम आपको मंच पर बुला लेते। मेरी बेटी 11 साल की है, उसकी हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम लग रही थी, इसलिए हम उसको जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए, तब डॉक्टर ने बताया कि उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट मुंबई भेजना पड़ेगा। बच्ची की रिपोर्ट मुंबई गई, मुंबई से जांच करा कर आई तो मालूम पड़ा कि इस बच्ची का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, किडनी पूर्ण तरह से, लीवर और किडनी बेकार हो चुकी है, जो कारगर नहीं है। मुंबई का इलाज हॉस्पिटल का प्रारंभ किया, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। लेकिन बेटी, मेरी बेटी ने एक बात अपने मुख से कही, माँ आई तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर है, और जब महाराज कथा कहता है ना तो वो कहता है कि कथा बाँचने वाला भी शंकर है और कथा सुनने वाला भी शंकर है। जब कथा बाँचने वाला शंकर है ना माँ आई, अगर कथा बाँचने वाला शंकर है तो उसकी बात झूठी नहीं हो सकती, मेरा लीवर मेरी किडनी वापिस काम करेगी, तो चिंता मत कर। माँ दवाई प्रारंभ होने लगी, लीवर किडनी पूरी डैमेज थी। तब हमने डॉक्टर से कहा, मुंबई के, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कुछ दिन की छुट्टी दीजिए। छुट्टी लेकर आए, महादेव को जल चढ़ाया, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, आचमन कराया। 15 दिन के बाद हम मुंबई वापिस जांच कराने के लिए गए, तब डॉक्टर हैरान में पड़ गए कि बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करने लगा। अब ठीक है बाबू,
हाथ हिला दो एक बार, हाँ हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, ये शिव है ओघ्र। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो बखान, क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का, हे गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोल ओमकार तू, कभी अपने भरोसे को डिगने मत दो, कभी अपने भरोसे को टूटने मत दो। यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा दृढ़ी है, तो शिव मिलता जरूर है। उसे पाने के लिए आप कहीं मत जाओ, वो आपको ढूंढता ढूंढता आपके करीब में आ जाए। क्यों नहीं सुनेगा? शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा, गिद्ध ने विश्वास नहीं करा। कोई शंकर की चर्चा करने वाला, कोई शिव नाम का गुणगान करने वाला, कोई शंकर की भक्ति को धारण करने वाला, क्या उसके चरण की रज भी हमारे पंख को, गिद्ध के पंख को सोना कर सकते? दुनिया में कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा के पंडाल की धूल, रज, मिट्टी लोग सिर पे लगाते हों या अपने साथ लेकर जाते हों। केवल इस कली काल में शिव महापुराण की कथा या कुबेरेश्वर बाबा की जो कथा, कुबेर भंडारी जो करता है, इस पंडाल की मिट्टी भी लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या मिलता है इस मिट्टी से, क्या प्राप्त होता है इस रज से? एक पत्र और है, देखिए। तेजस्वनी परेश जेठाणी, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? तेजस्वनी परेश जेठाणी आप ही हैं? बच्चा लाई हो साथ में? थोड़ा सा ऊंचा कर दो, वहीं से दिखा देते हैं कैमरे में। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका हार्ट आधा नहीं है। इस बच्चे का जो हार्ट है वो आधा नहीं है, ये डॉक्टर ने कहा था। इस माँ ने भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को पाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10/8/2023 को जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गया कि इसका पूरा हार्ट काम कर रहा था और पूरा शरीर अच्छा था। थोड़ा ऊंचा कर दो बच्चे को, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हर हर महादेव, बैठिए बैठिए। शिव कथा, शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का गुणगान होता ही है। अरे मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावे बाबा डोल हटो छड़ी लावे कटी जावे बोले मैं तेरी शंभो हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर हटो छड़ी लावे कटी जावानी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी शिव कथा कर शिव कथा कर भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर शिव महापुराण का आपका विश्वास आपकी दृढ़ता आपका भरोसा आपको भगवान शिव के करीब लेकर जाता है भगवान शंकर के करीब जब आपका भरोसा दृढ़ हो जब आपका विश्वास प्रबल हो वो आपको शिव के नजदीक ले जाता है शंकर के नजदीक शिव कथा कहती है गिद्ध संतों के पीछे पीछे चले और संत के मुख से सुन लिया कि कोई शिव भक्त कोई राम कोई कृष्ण कोई दत्त मेरे महादेव का कोई भक्त हो जिसके चरण की रज अगर गिद्ध के पंख पर भी पड़ जाए तो वो सोने के हो जाए स्वर्ण सुना गिद्ध का विश्वास नहीं था कि यह ऐसा होता है क्या ऐसा हो सकता है पर शिव महापुराण की कथा कहती है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर जब वो देता है तो देने में कमी नहीं रखता जो भी देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है कुछ कमी नहीं रखता हाँ हमारी परीक्षा जरूर लेता परीक्षा किस चीज की सब्र की आप जितना जितना सब्र रखोगे जितनी जितनी शांति अपने अंदर रखोगे उतना उतना वो देता चले जाता शिव मंदिर में क्या चाहिए शंकर भगवान के मंदिर में तीन चीजों का स्मरण करिएगा एक अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ दूसरा शंकर के मंदिर में जाओ बन सके थोड़ी सेवा कर लो सफाई कर लो झाड़ू पोछा कर लो निर्माल्य हो विसर्जन कर दो दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक और रख दो तीसरा शिव के मंदिर में जब जाओ कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है निहारता है वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो वो देखकर झोली भरकर भेज दे वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो चिलचिलाती हुई धूप में
आप लोग बैठे हुए हो, कितने लोग जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर। हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं बाहर का भी, अगर बन सके तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा, लाखों की संख्या में लोग आए हुए। किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे होंगे, केवल कानों में कथा जा रही है। जो जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता है। और कोई कोई ऐसा रहेगा कि वो कथा सुनने के लिए कम, विघ्न डालने के लिए ज्यादा आते हैं। कई लोग बाजू में बहुत सारे इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर आए हो, समय बर्बाद कर आए हो, तुम्हारा घर से तुम छोड़कर यहाँ आए हो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सुनने वाले हो, आपसे निवेदन रहेगा कि 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष का चले जाता है, 2.5 घंटा ये झोली को जितना भर सको भर लो, बाद में मत कहना कि हम खाली रह गए। ये झोली है भर लो, जो मिल जाए उसको ले लो, बटोर लो, फिर नहीं मिलना, बड़ी मुश्किल से मिलती है कथा। भागवत बहुत हो जाएगी तुम्हारे धूलिया में, रामायण बहुत हो जाएगी, गीता बहुत हो जाएगी, पर मेरे कुबेरेश्वर बाबा अगर यहाँ आया है मेरा कुबेर भंडारी तो कुछ लुटाने के लिए आया होगा, तो पहुंचा है तो कुछ देने के लिए, दिल से भाव से। गिद्ध क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? जब बच्चे का आधा हार्ट नहीं है और जन्म लेने के बाद बच्चा पूरा हार्ट महादेव दे सकता है, जिस बच्ची का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है और लीवर और किडनी जल के आचमन से वापस दे सकता है, तो मेरा बाबा तुम्हें भी खाली नहीं छोड़ सकता, देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच चुकी है और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले।
गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा है, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं, तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब रज में धूल में मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं, रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर शंकर का जल चढ़ाकर शंकर का गुणगान कर शंकर की सेवा कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता, गिद्ध लोट लगाता, पर उसके पंख सोने के नहीं होते। उनके पंख सोने के नहीं, कई दिन निकल गए, सोने के पंख नहीं हुए। एक दिन पार्वती जी ने देवदी ने महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिवजी बोले, क्या? एक बात बताओ, ये गिद्ध मांस का भक्षण करने वाला, ये गिद्ध मांस के छीतड़े छीतड़े करने वाला, ये रोज जमीन पर लोट क्यों लगाता है? शिवजी ने कहा, किसी संत के मुख से सुन लिया था कि जो शंकर का भक्त निकल कर जाता है, उसके चरण की रज पंख में लग जाती है तो पंख सोने के हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वाणी है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते, इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान ने कहा, इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे। शिव महापुराण की कथा में क्या पूरा धूलिया नगर आ गया? शिव महापुराण की कथा में क्या आपके घर के सब सदस्य आ गए? घर में अगर 10 सदस्य हैं तो शिव पुराण में 1, 2, 3 लोग पहुंचे होंगे, बाकी के लोग कथा में नहीं पहुंचे होंगे। क्या सबकी सब कथा में पहुंच जाते हैं? नहीं। क्या पूरा शहर कथा में पहुंच जाता है? नहीं। क्या पूरा गांव कथा में पहुंच जाता है? नहीं। उसका कारण केवल इतना है, जैसे बगीचे में फूल बहुत सारे हैं, माली को जो अच्छा लगता है वो तोड़ लेता है, उसी तरह मेरे भोले को जो अच्छा लगता है उसे बुला लेता है। तुम मेरे भोलेनाथ के बगीचे के वो फूल हो जिसको मेरा शंकर अपने करीब में लेकर आ जाता है। तुम वो फूल हो जिसको मेरे शिव ने चुना है, तुम इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो। तुम वो पुष्प हो जिसको भगवान ने चुन लिया आपको अपने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने चुना अपने। आप कभी ये मत कहो, मेरा बेटा तो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, मेरी बहू तो कभी मंदिर में दिया लगाने नहीं जाती, इतनी बेकार बहू, कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाती, उसको अपने आप से फुर्सत नहीं मिले, उसकी औलाद से फुर्सत नहीं मिले,
मायके से फुर्सत नहीं मिले, फोन लगाने से फुर्सत नहीं मिले, कभी मंदिर नहीं जाती, कभी अपने मुंह पर ये शब्द लेकर मत आना, कभी शब्द लेकर मत आओ ऐसा कि तुम्हारी बहू मंदिर नहीं जाती, या मोबाइल से फुर्सत नहीं मिले, या काम से फुर्सत नहीं मिले, औलाद से फुर्सत नहीं मिले, अपने को नहीं बोलना। तुम तो ये सोचो तुम मंदिर जा रही हो ना, तुम कथा सुन रही हो ना, तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तो तुम ये जान कर रखो कि बाबा ने पूरे घर में से तुझको चुन कर रखा है, इसलिए वो बुला लेता। क्यों टेंशन लेना फालतू का, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बोलबम का नारा है, हम क्यों फालतू की चिंता कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, क्या टेंशन है। एक माताजी ने पत्र भेजा है जहां हम ठहरे हैं चेतन जी क्या, तो वहां पत्र में उन्होंने लिखा तुम दिवाली के पहले क्यों नहीं आए। अच्छा लोग पत्र भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं सिर्फ डरा रहे हो, दिवाली के पहले क्यों नहीं आए, पहले आ जाते तो हम लक्ष्मी जी को सेज चढ़ा देते, अब तुम आए बाद में लक्ष्मी जी चली गई। अरे तो अभी देव दीपावली बाकी है कि नहीं है? शायद 25 या 26 में पढ़ना चाहिए हो, तो देव दीपावली तो बाकी है। अब तुम हमसे कह रहे हो कि तुमने बाद में कथा के, एक पत्र आया कल के पत्र में, एक पत्र था अब बाद में छाटेंगे, उस पत्र में एक पत्र है तो एक माता जी ने लिखा है कि उन्होंने पत्र में लिखा कि दादा बाबू भूसे, हमें तो मालूम नहीं था कि पालक मंत्री हैं, अब उन्होंने उस पत्र में लिखा है, सही है क्या। तो उन्होंने लिखा कि दादा बाबू भूसे पालक मंत्री हैं, पर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर साल दो साल में सीओर वाला महाराज को पकड़ के लिए आया करें। अब पत्र पीले कलर का, जब हम यहाँ से चले जाएं तो अमित से कहेंगे उसमें से छाट के निकालना, उसका नाम जरूर बोलेंगे। उस पत्र में लिखा, कल के पत्र में था तो नीचे रखा। देखिए ये तो बाबा की कृपा है, जब वो डमरू बजा दे। अब ये तो ये कृपा नहीं तोर क्या है, तुम सोचो जरा, ये करुणा नहीं तोर। पंख सोने के नहीं हुए, पक्षी रोज लोट लगा रहा, जिसका काम नहीं होता वो दूसरे दिन से शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ देता, एक बार अगर भगवान ने नहीं सुना तो वो दूसरे दिन से मंदिर में जाना छोड़ देता। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, बहन ने, सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर फांगड़े धूलिया महाराष्ट्र से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2016 से मेरा बेटा पंकज एजुकेशन पूरी कर कर कहीं बैठे हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर फांगड़े धूलिया महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटा पंकज ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था 2016 में, उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, उसने शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी ने नहीं सुना।
2019 में उसने जल चढ़ाया, शिवजी ने 3 महीने में नहीं सुना, तो वो घर आकर मेरे से बोला, आई बाबा नहीं सुनते, सीओरवाला महाराज झूठ बोल गया। मैंने अपने बेटे से कहा, तू जल चढ़ाना मत छोड़, कि तू तो कहती थी कि 3 महीने में सुनता है, तू जा शंकर के मंदिर। मेरे बेटे ने 1 साल पूरा शिवजी को जल चढ़ाया, बाबा ने उसकी नौकरी तब नहीं थी। दूसरी बार फिर बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा 2 साल में। इतने में सूचना मिली कि रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे तो कंकर शंकर की पूजन कर कर आए। बेटे ने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, कुबेर भंडारी के चरणों में कहकर आया, अगर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी है तो मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, अब तब आऊंगा। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूं कि मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई है, मैं बाबा को नमन करती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, बैठी है, अच्छा इधर है, ठीक है, हाथ हिला दो जी जी, चैनल में तो दिख रहा है ना, हाँ बस ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव ओघड़ी, शंकर ओघड़ी है। आप लोग अगर एक बार पशुपति व्रत करते हो और काम नहीं होता तो तुम विचार करते हो मैं दूसरी बार ना करूं। एक बार शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, छोड़ना नहीं, जब तक ना सुने दरवाजा मत छोड़। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं छोड़, पकड़ लिया पकड़, अब नहीं छोड़, एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़। परीक्षा लेगा, गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कब सोने के होंगे, एक संत की वाणी गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई, संत की वाणी गुरु की वाणी क्या झूठी हो सकती। गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई, नहीं, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं, नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं झूठी नहीं होने देता। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं, फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है, उसको पूरा मैं करता हूं, फिर जवाबदारी मेरी है कि मैं पूर्ण करूं उसको। तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं, इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा, जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए, गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा, चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए, तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा, गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती, ए उमा, ए गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था, घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे, उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी, उसके पंख की रज
पूरे घर में गिरती थी तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट गए। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटे, पाप कटते से ही जैसे इसके एक साल में पाप कटे, उनके भी एक साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के, स्वर्ण के। क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहां कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहां पर आते हैं, इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हैं। इनके चरणों की रज जब उड़ती है, कपड़े पर लगती है, हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है वो रज से। माता लक्ष्मी जिनको देव भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है। शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी मैं अश्वी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। निर्माण करा और करते से श्राप था, दूसरे दिन लक्ष्मी जी अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। शरीर है, लक्ष्मी जी ने विचार करा अगर मैं घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, तो फिर मंदिर नहीं बना सकती, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ से शंकर का शिवलिंग नहीं बना सकती। हां, अश्व बनने के बाद में, घोड़ी बनने के बाद में, अश्वी बनने के बाद मैं भगवान को भज तो सकती हूं पर शिवलिंग नहीं बना सकती। शिवलिंग बनाने के लिए शरीर मिला है, लक्ष्मी जी ने कहा मेरा भी असली स्वरूप है, तो मैं शिवलिंग का निर्माण कर लेती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गांव में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में जहां रहती हैं वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल मिलकर माताओं